अरमान और प्रशा के कहने पर देविका के फोर्स डालने पर चाचा जी रुद्राक्ष से माफी मांगने के लिए हो जाएंगे राजी, या फिर यूं कह लीजिए कि चाचा जी के सामने आ जाएगी ये बात कि जो कुछ हुआ है अरमान की फाइल के साथ वो रुद्राक्ष ने नहीं किया। तभी तो सुलोचना के घर पर पहुंच जाएंगे अरमान, चाचा जी, प्रिशा और देविका। और यहाँ पर जैसे ही सब लोग रुद्राक्ष से बात करने जा ही रहे होंगे तभी सुलोचना सबको अंदर आने से रोक देती है और कहती है कि एक मिनट, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब हम आपसे कोई रिश्ता नहीं करना चाहते। यहाँ पर चाचा जी को अपनी गलती का एहसास होगा, वो हाथ जोड़े सुलोचना के आगे नजर आएंगे और कहते हुए ये भी दिखाई देंगे कि आप मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मत दीजिए, गलती मुझसे हुई है, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर आपके पैर पड़ कर माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सुलोचना कहती है तुम पढ़ो फिर पैर पड़ो और माफ़ी मांगो। ये बात सुनकर वहाँ पर सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने किए की पछतावा के लिए हो रही वजह से यहाँ पर चाचा जी सुलोचना के पैरों में गिरने पर भी राजी हो जाते हैं। जैसे ही चाचा जी जाकर सुलोचना के पैरों में पड़ने ही वाले होते हैं तभी पीछे से प्रिशा चाचा जी को रोक लेती है और कहती है कि एक मिनट चाचा जी, आप पैर नहीं छुएंगे। और यहाँ पर फेस ऑफ होता है कोल्ड वॉर प्रिशा और सुलोचना के बीच, जिसमें इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिशा एक तरफ तो रुद्राक्ष को सपोर्ट कर रही है, उसको बेगुनाह साबित करके, तो दूसरी तरफ अपने परिवार की जिसके साथ वो रह रही है उन लोगों के इंसल्ट भी नहीं होने देना चाह रही। तो ऐसे में क्या होगा, किसकी होगी हार किसकी होगी जीत, ये देखना होगा आगे आने वाले एपिसोड में, काफ़ी ज़्यादा खास।